जो इन्होंने एक कौशल रोजगार निगम चला रखा है, उसका क्या काम है? भ्रष्टाचार का अड्डा है, ठेके पे नौकरियां देते हैं। आपने देखा उसका एमडी पकड़ा गया, परचून की तरह नौकरियां बेची इन्होंने, एक एक साल लगाते हैं वापस देते हैं, ना तो उसकी पेंशन ना पक्की होती, ना मेरिट ना रिजर्वेशन। उसका नतीजा ये हुआ 2 लाख सरकारी नौकरी जो सैंक्शन पोस्ट है वो खाली पड़ा हरियाणा में। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख नौकरियां हम देंगे, ये आपके सामने। आज तो ऐसी परिस्थिति कर रखी है इन्होंने, आज हरियाणा में कैसी परिस्थिति है कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो यही कारण है इसका। और सरकारी कर्मचारियों की मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम की, वर्ल्ड ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम, और खिलाड़ियों के लिए पदक पाओ पद पाओ। हमारे खिलाड़ियों कितना अपमान हुआ यहाँ, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा हरियाणा का नाम दुनिया में किया, उनके साथ क्या सलूक हुआ भाई जंतर मंतर पे? आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको, वो पॉलिसी बंद कर दी। और एक जो एक नया ही सिस्टम कर दिया, पोर्टल, हर काम पोर्टल। मैं तो कह रहा था भाई अब इलेक्शन आ रहे हैं इनको बीजेपी वालों को, तुम वोट भी पोर्टल पर मांगो, पोर्टल। अब प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, मतलब परमानेंट परेशानी पत्र, कभी मेरा फसल मेरा ब्यौरा, जिसका कोई मायना नहीं, जन विरोधी, जनहित की नहीं है भाई। पोर्टल के खिलाफ नहीं हूं मैं, हमने शुरू किया था डिजिटल बिजली के बिल भरने के लिए, वो एक सबकी सुविधा के लिए था। ऐसा कोई पोर्टल हम नहीं रहेंगे, इन पोर्टलों को चलता करेंगे, जो जन विरोधी पोर्टल होंगे उनको नहीं रहने देंगे। तो ये होंगे कब भाई ये सारे काम जो मैंने कहे, कब होंगे? कांग्रेस की सरकार बनेगी जब, होगी ना? और कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी?